हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चने की दाल की नाश्ता बनाने चल रहे हैं। तो ये हमने एक कटोरी चने का दाल लिया था, इसको 4-5 घंटे तक हम भिगो लिए थे और ये 2-3 पानी से धुल लिया है। इसको मिक्सी जार में पीसने चल रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये चना का दाल हमारा पीस गया है, इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड कर रहे हैं। ये हमारी हरी धनिया है, प्याज और चाट मसाला, मिर्चा, हल्दी पाउडर और जीरा है। इसमें हम मिला ले रहे हैं सभी को। स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। ये हम मिला लिए हैं। अब इसको चलने हैं बनाने। ब्रेड में लगाएंगे इसको हम, बराबर से लगाना है हमको। इस तरह हम सभी में लगा के रख ले रहे हैं। ये पैन हमारा रख दिए थे गरम हो रहा है, इसमें हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे, बराबर से लगा देंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे। तरफ से हम रख दिए हैं। ये हमको धीमी आंच में ही पकाना है। अभी हम पलटेंगे नहीं तो टूट जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा तब पलटेंगे। इसको इस तरफ से हम सेक रहे हैं, देख लेते हैं नीचे की तरफ पक गया है कि नहीं हमारा। तो ये हमारा पक रहा है, अभी हम ऊपर की तरफ इसको लगाएंगे चना दाल को। ऊपर की तरफ लगा के तब पलट देंगे हम। इस तरफ से इसको हम थोड़ा सा उठा ले रहे हैं, ये हमारा नीचे की तरफ पका हुआ है। तो हम ऑयल लगा के इसको हम पलट के रख दे रहे हैं, दोनों तरफ अच्छे से हो जाए। हम सभी को पलट दे रहे हैं, अच्छे से पक जाए हमारा। इसको हम अच्छी तरीके से दबा दबा के सेक ले रहे हैं। गैस था, ये हमारा पक गया है। नहीं प्लेट में ये हम सभी निकाल लिए हैं। इसको टमाटो सॉस के साथ या तो चटनी के साथ आप खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। अगर आप लोग को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद। तो रुक जा हल्का से तो फूटेगी आवाज़।